या हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बबल सॉर्ट के बारे में। बेसिकली बबल सॉर्ट जो है वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, और अगर कोई भी आपके पास अरे आती है और उससे आपने सॉर्ट करना है बाय यूजिंग बबल सॉर्ट, तो आप कैसे उसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम वो कैसे काम करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इधर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, सॉर्ट द गिवन अरे बाय यूजिंग बबल सॉर्ट। ये मेरे पास गिवन अरे है, इसे मैंने सॉर्ट करना है बाय यूजिंग बबल सॉर्ट एंड आल्सो टेल दैट हाउ मेनी स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर सॉर्टिंग द गिवन अरे इन असेंडिंग ऑर्डर। मींस के ये जो गिवन अरे है इसे मैं सॉर्ट करूंगा बाय यूजिंग बबल सॉर्ट, और मैं देखूंगा कि कितने स्टेप इसमें लगेंगे फॉर सॉर्टिंग दिस अरे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस अरे को मैंने बेसिकली इस क्वेश्चन के मुताबिक मैंने इस अरे को सॉर्ट करना है, और मैंने ये भी बताना है कि कितने स्टेप लगेंगे इस अरे को सॉर्ट करने में असेंडिंग ऑर्डर में बाय यूजिंग बबल सॉर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, मैं चलो हेडिंग दे देता हूँ सॉल्यूशन की। ओके, सॉल्यूशन की मैंने हेडिंग दे दी। अच्छा, अब मैं लिखूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप वन, ये मेरे पास आ गया स्टेप वन। अब ये मेरे पास गिवन अरे है, तो मैं इस अरे को इधर रख लूंगा, इधर ना मैं लिखता हूँ 3 1 5 2 and 4। अब बेसिकली जो बबल सॉर्ट होती है ना, इसमें हम क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन के दौरान हम देखते हैं इनकी वैल्यूज के। अगर तो जैसे हम देखेंगे कि कैसे हम ना यानी कि स्वप करेंगे वैल्यूज को। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंपेयर करता हूँ ये फर्स्ट एलिमेंट को इसके, ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है इसके साथ। तो मैंने कंपेयर किया, अब ये 3 जो है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 3 है, और सेकेंड एलिमेंट जो है वो है 1। तो अब 3 जो है वो बड़ा है 1 से, और अब तो मैंने तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है, इसे सॉर्ट करना है। तो अब 3 जो है वो बड़ा है 1 से, तो इसलिए मैं इसकी वैल्यू को स्वप करूंगा। तो मैं स्वप करूंगा तो फिर मेरे पास क्या आएगा, इन दोनों की वैल्यू को स्वप करके इधर मेरे पास 1 आ जाएगा। तो 1 अब आगे छोटा आ गया, और ये 3 इधर आ जाएगा, और बाकी अरे जो है वो वैसे रहेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले स्टेप में सिर्फ क्या किया कि मैंने पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर किया, उनकी वैल्यूज से किए हैं। तो वैल्यू जो थी वो ऐसी थी कि पहली वैल्यू जो थी वो बड़ी थी सेकंड वैल्यू से, और मैंने इसे सॉर्ट करना था असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसलिए मैंने दोनों की वैल्यू को स्वैप कर दिया। अब ये मेरे पास हो गया। अब मैं बाद में, अब ये जो दूसरी वैल्यू है, दूसरा एलिमेंट जो है उसे तीसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करूंगा। अब ये जैसा कि मैं देख सकता हूँ, ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो इन दोनों को मैं स्वैप नहीं करूंगा। तो इधर मैं सिंपल ऐसे लिख लूंगा 1 3 5 2 4। ये मैंने इधर वैल्यू को स्वैप नहीं किया, वाई, बिकॉज जो मेरे पास ये वैल्यू थी वो छोटी थी उसके 5 से नेक्स्ट एलिमेंट से। अब ये वाले जो सेकंड एलिमेंट है उसे मैंने थर्ड एलिमेंट के साथ कंपेयर कर लिया। अब मैंने थर्ड एलिमेंट को करना है 4 एलिमेंट के साथ कंपेयर, इसे कंपेयर किया। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो थर्ड एलिमेंट है उसकी वैल्यू बड़ी है फोर्थ एलिमेंट की वैल्यू से, तो इट मींस मैं फिर इस दोनों को स्वैप करूंगा, इन दोनों की वैल्यूज को स्वैप करूंगा। तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 3, अब दोनों की वैल्यू को मैंने स्वैप किया, तो इधर मेरे पास 2 आ गया, इधर मेरे पास 5 आ गया, और लास्ट में मेरे पास आ गया 4। अब मैंने थर्ड एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट के साथ कंपेयर कर लिया, और मेरे पास अरे जो है वो कुछ इस तरह से आ गई। अब इसके बाद फोर्थ एलिमेंट को मैं फिफ्थ एलिमेंट के साथ कंपेयर करूंगा। अब इधर भी मैं देखता हूँ कि फोर्थ एलिमेंट की जो वैल्यू है वो बड़ी है फिफ्थ एलिमेंट से, तो इट मींस मुझे इन दोनों की वैल्यू को स्वैप करना है। तो मैं इसे 1 3 2 और इन दोनों की वैल्यू को मैंने स्वैप किया, तो मेरे पास क्या आया, इधर 4 आ गया और इधर मेरे पास चला गया 5। तो ऐसे मेरा आप देखें कि मेरा फर्स्ट स्टेप जो है बबल सॉर्ट का वो मेरे पास कंप्लीट हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि जो अरे है वो अभी पूरी तरह से सॉर्ट नहीं हुई,
लेकिन मेरे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो मैंने कंप्लीट कर लिया। मैंने फर्स्ट स्टेप में सिंपल क्या किया कि मैंने एक एलिमेंट को उसके दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर किया और देखी है अगर तो पहले वाली एलिमेंट की जो वैल्यू है वो बड़ी है उसके नेक्स्ट एलिमेंट से जिसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे उनकी वैल्यू का स्वैप करना है, अगर नहीं बड़ी अगर छोटी है और जो दूसरी वाली एलिमेंट की वैल्यू है वो बड़ी है तो फिर मुझे स्वैप नहीं करना। अब इधर मेरा स्टेप वन जो है मेरे पास कंप्लीट हो चुका है। अब इधर आता हूँ तो इधर मैं लिखता हूँ स्टेप टू। अब स्टेप टू मैं स्टार्ट करूंगा इधर से क्योंकि स्टेप वन जब मैंने कंप्लीट किया था तो मेरे पास आखिर में ये एरे बची थी तो इस एरे को मैं इधर लिखूंगा और अपना स्टेप टू जो है वो स्टार्ट करूंगा। ये एरे थी 1 3 2 4 5 1 3 2 4 5। अब मैं फिर यही सेम प्रोसीजर अप्लाई करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ कंपेयर करूंगा इनकी वैल्यू को। अब फर्स्ट एलिमेंट की जो वैल्यू वो छोटी है सेकंड एलिमेंट की वैल्यू से तो इट मीन्स मुझे स्वैप करने की जरूरत नहीं है तो इसे मैं ऐसे रन दूंगा 1 3 2 4 5। अब उसके बाद सेकेंड एलिमेंट को मैं थर्ड एलिमेंट के साथ कंपेयर करूंगा। अब इधर मैं देखता हूं कि जो सेकेंड एलिमेंट है उसकी वैल्यू बड़ी है थर्ड एलिमेंट से तो इट मीन्स मुझे इन दोनों की वैल्यू को स्वैप करना है तो इधर मैं 1 लिखूंगा। अब इधर आ जाएगा मेरे पास 2 और इधर चला जाएगा मेरे पास 3 और ये आ गया 4, ये मेरे पास आ गया 5। अब इसके बाद अब मैंने जो थर्ड एलिमेंट है उसे कंपेयर करना है फोर्थ एलिमेंट के साथ उसकी वैल्यू के साथ तो मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे पता है कि थर्ड एलिमेंट की वैल्यू जो छोटी है फोर्थ एलिमेंट की वैल्यू से तो इट मीन्स मुझे वैल्यू के जो है स्वैप करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद मैं फोर्थ जो है मेरे पास एलिमेंट उसकी वैल्यू को मैं कंपेयर करूंगा फिफ्थ एलिमेंट की वैल्यू के साथ तो मैं इधर भी देखता हूं कि मेरे पास जो है फोर्थ एलिमेंट की वैल्यू छोटी है फिफ्थ एलिमेंट की वैल्यू से तो इट मीन्स मुझे स्वैप करने की जरूरत नहीं है। तो इधर मेरे पास स्टेप टू जो है मेरे पास वो पूरा कंप्लीट हो गया है और आप जैसा कि देख सकते हैं कि स्टेप टू जब मेरे पास कंप्लीट हुआ है तो मेरे पास जो आखिर में अरे बची है वो अरे पूरी की पूरी सॉर्ट हो चुकी है इन असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 तो इट मीन्स अरे जो है वो सॉर्ट हो चुकी है इन असेंडिंग ऑर्डर में बाय यूजिंग बबल सॉर्ट। तो मेरे पास जो क्वेश्चन ये था कि सॉर्ट द गिवन अरे, मुझे अरे को सॉर्ट करना था बबल सॉर्ट के जरिए और मुझे बताना था कि कितने स्टेप लगे हैं अरे को सॉर्ट करने में इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इधर मेरे पास जो क्वेश्चन का आंसर है वो मेरे पास ये आता है कि मुझे स्टेप वन स्टेप टू टू स्टेप लगे हैं मीन्स लाइक टू स्टेप्स हैव बीन taken for sorting the given array in ascending order by using bubble sort। तो इट मीन्स मैंने ये जो गिवन अरे थी ये गिवन अरे इसे मैंने सॉर्ट किया इन असेंडिंग ऑर्डर में और मैंने इसे सॉर्ट किया अकॉर्डिंग टू बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट के जरिए मैंने इस अरे को सॉर्ट किया है इन असेंडिंग ऑर्डर में और इसे सॉर्ट करने के लिए सिर्फ दो स्टेप्स लगी है और दो स्टेप्स के बाद ये जो अरे है गिवन अरे वो सॉर्ट हो चुकी है बाय यूजिंग बबल सॉर्ट।
तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि बबल सॉर्ट जो है वो बेसिकली कैसे काम करती है. अगर कोई भी अरे गिवन हो आपके पास और आपको उस अरे को सॉर्ट करना हो बाय यूजिंग बबल सॉर्ट, तो आई होप सो कि जब आप ये वीडियो कम्प्लीटली देख लेंगे तो कोई भी अरे आपके सामने आ जाए तो आप इजीली किसी भी अरे को सॉर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग बबल सॉर्ट. तो अगर आपको स्टिल अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ट्राई करूंगा, रिप्लाई करूंगा एज सून एज पॉसिबल. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एज वेल. और इंशाल्लाह तआला नेक्स्ट टाइम मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा. तो अंटिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.